मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कमजोर वर्गों में कोई इंडिपेंडेंट वॉइस खड़ी हो। इनको लगता था कि अगर चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो जाएगा तो शायद एक नई तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेगी। मेरा नाम आजाद है, मुझे आप आजादी के साथ ही लड़ने दो, तो उस पर स्वीकार नहीं हुए तो बात खत्म। सदन से वर्कआउट नहीं करें क्योंकि हम भेड़ नहीं है किसी के पीछे पीछे जाएंगे। हम बहुत सारे करोड़ों लोगों की उम्मीद है। क्या पार्लियामेंट 16 खड़े लोग सुनाने के लिए? आज की जो चर्चा है उसकी शुरुआत मैं कुछ आंकड़ों से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख वोट, समाजवादी पार्टी 4,10,000 वोट, बहुजन समाज पार्टी 4,99,000 वोट। ये जो आंकड़े मैं अभी बता रहा हूँ ये हाल ही में हुए चुनाव में नगीना लोकसभा क्षेत्र में इन पार्टियों के हार के मार्जिन है और इनको इतने फासले से शिकस्त देने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पहली बार के सांसद चंद्रशेखर आजाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2017 के सहारनपुर आंदोलन से सुर्खियों में आने वाले चंद्रशेखर सहारनपुर के छुटमुलपुर गांव से आते हैं। एक साधारण परिवार से हैं, इनके पिताजी स्कूल में टीचर हुआ करते थे और स्कूल और कॉलेज में दलितों के साथ होने वाले व्यवहार से उत्तेजित होकर इन्होंने 2007-08 में एक सामाजिक संस्था जिसका नाम है भीम आर्मी उसकी स्थापना की, जो कि शुरुआत में जिसने पाठशालाएं खोली सहारनपुर में और बच्चों को पढ़ाया और वहां से जो है वो दलितों के छोटे मोटी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने से जो सामाजिक एक आंदोलन इन्होंने शुरू किया वो आज आज़ाद समाज पार्टी बन के उभरा है और अब वो संसद में पहुंच चुके हैं। ये सफ़र हालांकि आसान नहीं रहा, कई बार जेल गए, रासुका में तो लगभग 1 साल जेल में रहे, पुलिस की लाठियां खाई, पिछले साल बंदूक की गोली भी खा ली और अब जब ये संसद में पहुंचे हैं तो कई हलकों में ये चर्चा है कि बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने में चंद्रशेखर जी की अहम भूमिका हो सकती है। तो चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नगीना लोकसभा सीट में जो ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है वो कैसे संभव हो पाया, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपने क्या क्या किया? तो मैंने सभी पार्टियों से बात की थी जो विपक्ष में, आज के विपक्ष में या मिलके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं और मैंने उनसे कहा कि मैं एक सीट लड़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लड़ूंगा, बाकी जगह सब जगह मैं आपकी जाकर मदद करूँ और वो फर्स्ट फेज में है तो बाकी 6 फेज मिलेंगे मुझे आपकी मदद करने के लिए। तो उनको मेरा जो प्रस्ताव था अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मुझे ना कर दिया। फिर मुझे लगा कि अगर अब मैं इस चुनाव को नहीं लड़ पाया मजबूती से तो चाहे वोट कितना भी मिले, हार जीत की बात नहीं थी, तो ये हो जाएगा कि मैं लड़ नहीं सकता। और एक सवाल था मेरे ऊपर जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया कि भाई 100 इमर्जिंग लोगों में मेरा नाम है भारत में से एक आदमी का, तो मुझे उस खुद को साबित भी करना। तो हम जनता के बीच में गए और मैंने खुद दीप्तिमान भाई 700 से ज़्यादा गांव कवर किए। मैं सुबह 7:30-8 बजे निकलता था और रात को 4 बजे, 5 बजे, 5:45 बजे तक आता था, क्योंकि जो चुनाव का समय था वो रमजान का भी समय था तो वो लोग जागते भी रहते थे। तो ऐसे 700 के लगभग गांव मैंने कवर किए, 1200 के लगभग टोटल गांव हैं। और फिर हमारी टीम ने जो देश भर से हमारे साथी जो काम कर रहे हैं वो आए, उन्होंने वहाँ मोर्चा संभाला और हमने जनता जाके यही कहा कि आपने सबको मौका दिया, एक मौका आप हमारे कार्य के आधार पर हमें भी दो। वहाँ 3-3 राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही थी और अलायंस भी लड़ रहे थे, NDA अलायंस, इंडिया अलायंस और BSP भी। तो जनता ने हमारी बात को और हमारे संघर्ष को सराहा और हमें वोट दिया। और क्योंकि चुनाव लड़ने में भारतीय राजनीति में आज बहुत पैसों की ज़रूरत है, लोकतंत्र भारत का महंगा हो गया है, तो हम एक वोट और एक नोट मानेवर काशीराम साहब का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर लड़े। गांव में जाते थे केतली लेके और लोगों से अपील करते थे कि हमारे चुनाव निशान में वो जो अगर वोट देना चाहते तो नोट भी दें। तो हमारे तेल का खर्चा वहाँ से निकलता था, खूब पैसे भी इकट्ठे हो जाते थे कि पूरे दिन का तेल का खर्चा निकल जाता था। लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो वो भी बंद हो गया कि आप ऑनलाइन पैसे तो ले सकते हैं लेकिन कैश नहीं ले सकते, तो वो भी बंद हो गया, तो नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी
देश भर से जो हमारे बीमार में आजाद समाज पार्टी के साथी, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जुटा के मुझे चुनाव लड़ाया। और जब 4 तारीख को परिणाम आया तो, लेकिन चुनाव के जिस दिन चुनाव वोट पड़ गए थे, दूसरे दिन बाद हमने जब पूरा रिसर्च किया तो हमें ये आइडिया था। और आप मेरा बयान अगर सुनेंगे जो मैंने छत्तीसगढ़ में दिया था आपसे 1 महीने पहले चुनाव के रिजल्ट से, लगभग 25-26 दिन पहले, कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते और हम लगभग 1,51,000 से ज़्यादा वोट से जीते। तो हमें जो हमने काउंटिंग की थी वो हमारी टेबल पे थी, और वो टेबल हमारी जो है वो हमारे संघर्ष पे थी, और वो सच साबित है। तो इस तरह से हम लोग नगीना का चुनाव जीते। आपने बताया कि गठबंधन के लिए आपने इंडिया ब्लॉक से बातचीत की, लेकिन वो एक सीट देने को भी आपको राजी नहीं थे, क्यों नहीं थे? आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कोई नया गठबंधन नहीं था, आप पहले उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं, उपचुनाव लड़ चुके हैं, रामपुर का, खटौली का जो सारा उपचुनाव था वो सपा, आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी ने साथ में वो लड़ा था और आपने सपोर्ट किया था। खटौली की विधानसभा वो जीते भी थे, नगर पंचायत चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़े, नगर पंचायत चुनाव भी आप लोग मिलकर लड़े। तो फिर जब लोकसभा का चुनाव आया तो क्यों आपको लगता है कि ये पार्टियां आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी? देखिए, मुझे कहते हैं ना, सच कहने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर सच नहीं कहेंगे तो फिर तो खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कमजोर वर्गों में कोई इंडिपेंडेंट वॉइस खड़ी हो। उनको लगता है जो भी खड़ा हो वो उनके सहारे से खड़ा हो या उनके अंडर में, जिससे वो जिस तरह का काम लेना चाहते हैं उस तरह का काम लें, वो उससे आगे ना बढ़े। और इसलिए उनको लगता था कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हो जाएगा तो शायद एक नई तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप हमारे सिंबल पे लड़ जाओ या आप वो जगह बदल के कहीं और लड़ जाओ। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि भाई ना मैं किसी के सिंबल पे लड़ूंगा ना मैं अपनी जगह छोड़ूंगा। उनको ऐसा लगता था कि भाई अगर चंद्रशेखर खड़े हो गए इंडिपेंडेंट रूप से तो फिर शायद वो आप पे रोके नहीं रुकेंगे, तो इसलिए इनको स्वतंत्र ना होने दो। तो कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे सिंबल पे लड़ लो, और समाजवादी के लोग कहते थे हमारे सिंबल पे लड़ लो, और मैं कह रहा था कि मेरा नाम आज़ाद है, मुझे आप आज़ादी के साथ ही लड़ने दें, तो उस पर स्वीकार नहीं हुए तो बात खत्म हो गई। इसी कमरे में आज से 5 साल पहले बैठकर आपने खुद पर चुटकी लेते हुए एक बात कही थी कि भाई मेरे जैसे नाकारे की जो है वो पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है, और मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही रहूँगा और मैं दूसरों को तैयार करूँगा कि वो सामने आए और युवा सामने आए और वो इलेक्शन लड़े। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या गुजरा, ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपने ये डिसाइड किया कि न सिर्फ मुझे, उस वक्त आपकी पार्टी भी नहीं थी, सिर्फ बीमार भी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और मुझे खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा? देखिए, जो आपने कहा वो सत्य है। हुआ ये कि जेल से तो मैं आ गया था और संघर्ष का रास्ता मैंने छोड़ा नहीं। मैं दिल्ली में गुरुघर का आंदोलन हुआ जिसको मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, मैं जेल गया। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ उसमें भी मैं जेल गया। इसी बीच यूपी गवर्नमेंट मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए हाईकोर्ट चली गई, और एज ए लॉयर मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर मेरी बेल कैंसिल हो जाएगी तो जब तक मुकदमा चलेगा तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। मैं आपको उसकी घटना भी याद दिलाता हूँ। अजय कुमार टहनी जो हैं, जो हार गए हैं इस बार चुनाव, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, तो फिर वो जेल चले गए, फिर उनको बेल हो गई, तो फिर उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए किसान, तो उनकी बेल कैंसिल हो गई, तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ा एक सिविल सर्वेंट, और जब तक वो मुकदमा चलेगा तब तक वो जेल से ही जो है उसको मुकदमे को, जो भी कंडीशन हो। तो मैंने देखा कि भाई ये सरकार तो बाहर भी काम नहीं करने दे रही है। तो अब अगर हमने ज़्यादा दिन तक सामाजिक मूवमेंट के जरिए ही काम को आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि हमें इसका कोई खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़े और हमारी एनर्जी का समाज को फ़ायदा ना मिल पाए। एक बड़ा सवाल ये भी था कि इस बीच में मैंने कई बार बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया कि हम मिलकर काम कर लेते, क्योंकि मैंने देखा कि जब भीम आर्मी के लोग संघर्ष करते थे
और उनके साथ पुलिस कोई अमानवीय व्यवहार करती थी, यानी कि मारपीट करना, झूठे मुकदमे लगाना, जेल भेजना या और भी कई तरह के प्रयास, तो कोई पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती। सब लोग उनसे हाथ छिपाते थे, मुंह भी छिपाते थे, हाथ भी छिपाते थे और दूर रहने का प्रयास करते थे। तब मुझे लगा कि जब सारे संघर्ष हमें ही करने हैं तो क्यों ना लोगों से बात की जाए जो लोग काम कर रहे हैं, कि चलो जब सड़कों का संघर्ष हमें करना है तो सदन में भी उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद करते हुए कि रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो राजा वो बनेगा जो बैलेट से तैयार होगा, जिसको जनता वोट देगी। तो फिर 2020 में, क्योंकि आपको अगर याद हो, जब मैं NRC में गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, और मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, मैंने सिर्फ संविधान की प्रिंबल पढ़ी थी जामा मस्जिद पर। फिर मुझे लगा कि अब इससे बुरा क्या होगा कि आप कोई अपराध भी ना करो और पुलिस आपको उठा के जेल में डालती रहे। तो मैंने सोचा कि राजनीति में आने के बाद शायद जो है इस तरह की प्रक्रिया रुक जाए, रुकी भी तो इसलिए हमने अपने साथियों से विचार किया, तो राजनीतिक दल बनाया। और राजनीतिक दल के जरिए, क्योंकि जो समस्या हम हल करना चाहते हैं वो बिना ताकत के नहीं हो सकती, ताकत सत्ता में है। तो जब हम चुनावी लड़ेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे, जब सत्ता में नहीं आएंगे तो लोगों का भला कैसे करेंगे। अभी हम जैसे किसी के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, तो उसकी जाके मदद करते हैं, लेकिन अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम इन जुल्म को रोक सकते हैं। आपने मेरे पास दो सवाल है। एक तो पिछले हफ्ते मैंने नोटिस किया है, एक बार पूरा ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था, आप खुद अकेले बैठ रहे थे। आप क्या है, कौन सा साइड में है, वो इश्यू बेस्ड है तो आप ऐसे मौका आएगा कि आप बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे? देखिए, काशीराम साहब कहते हैं इनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, और जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, शायद आपकी यहाँ छपने के बाद उस पर कुछ प्रतिक्रिया आए, लेकिन तब तीर निकल चुका होगा। मैं जब पार्लियामेंट में गया तो जैसे आपने कहा कि आपने मुझे वहाँ देखा बैठे हुए, तो उसमें दो एक्स्ट्रा लाइन है, अगर आपने देखी तो मैं एक्स्ट्रा लाइन में बैठा, क्योंकि मैं नया आदमी हूँ, मुझे जानकारी इतनी नहीं है। मैं झूठ कह दूँ कि भाई मैं बहुत, मैंने मुझे जिस जगह में गया नहीं, मुझे क्या जानकारी होगी। तो मैंने सोचा कि ये जो साथी हमारे हैं, जो विपक्ष अपने आप को कह रहे हैं, तो ये मुझसे कहेंगे कि भाई आप भी हमारे साथ आके बैठे, आप भी हमारे साथी हो, आप भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं, चलो ठीक है चुनाव खत्म हो गया, अब हम साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन 3 दिन वहाँ बैठे रहने के बाद ही मैंने महसूस किया कि इस बात की किसी को फर्क नहीं पड़ रही कि चंद्रशेखर वहाँ बैठे। फिर स्पीकर का इलेक्शन था तो मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आया कि आपको स्पीकर के इलेक्शन में हमारी मदद करनी। तो मैंने ठीक है, मगर आप पहले एक बार मुझसे बैठ के बात कर लेना, मैं चाहूँगा कि सुबह आप मेरे साथ बैठे। और मैं अपना वही सवाल उनसे पूछता कि भाई ठीक है तो मदद ही चाहिए या आगे भी कोई बात आगे बढ़नी। फिर उन्होंने डिवीजन की मांग ही नहीं की, तो डिवीजन की मांग नहीं की तो वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई तो बात खत्म हो गई, नेताजी अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला गया। इतना सच कोई बोलता नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते इसलिए सच बोलते हैं। तो फिर हमने तय किया कि अब हम ना राइट है ना लेफ्ट है, हम बहुजन है, तो अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, अकेले रहेंगे तो अपनी बात के साथ खड़े रहेंगे, अगर कोई गलत होगा तो उसका विरोध दर्ज कराएंगे, और अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसको सुन के समझ के फिर अपना फैसला लेंगे। तो इसलिए हम सदन से वर्कआउट नहीं करें, क्योंकि हम भेड़ नहीं है कि किसी के पीछे पीछे जाएंगे। हम बहुत सारे करोड़ों लोगों की उम्मीद है, हम अपनी पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन हमारे लोगों के हम नेता हैं, तो अगर हम किसी के पीछे चलेंगे तो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगी। इसलिए हम बैठे, अगर कोई भविष्य में कोई बात करेगा तो सह सम्मान बात करेंगे। इसलिए हमने कहा कि अब हम किसी के घर नहीं जाने वाले कि आओ हमसे अलायंस कर लो। 2018 में जब आप यहीं बैठे हुए थे तो उस वक्त आपने एक वक्तव्य दिया था जो कि मैं अभी कोट करता हूँ। आपने कहा था कि ये मंदिर बनाकर तो दिखाएं, फिर संविधान समर्थक बताएंगे तुम्हें कि कैसे चलेगा ये देश। आपने ये भी कहा कि ये लोग संविधान बदल देंगे, और जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं हम उनको बदल देंगे। क्या दलित समाज में ये जो, अगर हम सुर्खियां देखें तो उसमें ये संविधान वाली बात जो है ये चुनाव के समय आई और उस
उसके बाद फिर इसकी काफ़ी बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये जब 2018 में आप ये कह रहे थे तो क्या दलित समाज में उस वक्त से इस चीज़ का भय व्याप्त था? 2018 से नहीं, 2014 से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिस तरह से हमने देखा कि लेटरल एंट्रियाँ हुई, जिस तरह से निजीकरण हुआ, तो संविधान जो अवसर देता है उन अवसरों को ही आपने वंचित वर्गों के लिए लगभग ख़त्म कर दिया। तो ये चिंता तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को का जो कैडर बेस है, जो उनकी जो थिंक टैंक है आरएसएस, उसकी सोच तो लंबे समय से रही है। पहले दिन से उन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया। आज वो भले ही कुछ भी कहें, समय के साथ बदलाव होता है और बदलना पड़ेगा, जब क्योंकि आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा वर्ग संविधान के समर्थन में खड़ा है। तो कभी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संविधान के समर्थन में थी नहीं, अब तो बदली बदली सी भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वही हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसा लगता है कि नहीं। अपर कास्ट ओरिएंटेड भारतीय जनता पार्टी में हम बैकवर्ड के लीडर भी हैं, हारने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं और आज अपनी आइडेंटिटी को भी बैकवर्ड के लोग वहाँ कह पा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बदलाव किए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये भय तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सत्ता में आने से ही बन गया था और यही भय था जिसकी वजह से 2019 का अलायंस हुआ उत्तर प्रदेश में। वो अलग है कि वो अलायंस परवान नहीं चढ़ पाया क्योंकि राजनीति में उतने सक्रिय उस समय नहीं थे और बैंजी ने एक ऑर्डर अपने यहाँ से दे दिया था अलायंस के साथ ही, जबकि हमने अलायंस का समर्थन किया कि भीम आर्मी का कोई भी जो वर्कर है या लीडर है वो हमारे मंच पर नहीं आएगा। इवन अगर आपको याद हो कि सहारनपुर में उनकी रैली हुई फर्स्ट और वहाँ मेरे पोस्टर दिखाए गए तो उन्होंने उसका बहुत बड़ा विरोध भी दर्ज कराया मेरठ में भी। तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है, मैंने उनसे कहा कि वोट ही तो देनी, क्या जरूरत है मंच पर जाने की। तो हम उस तरह से सक्रिय नहीं थे लेकिन हम अपना काम तो लगातार कर ही रहे थे। तो इसी तरह से मैं मानता हूँ कि ये भय 2014 शुरू हुआ और 2024 उसकी अति थी कि उस अति ने एक सामूहिक रूप से एक ऐसा जो है विचार विकसित किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना ही पड़ेगा। और अयोध्या उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारती है या बनारस में प्राइम मिनिस्टर इतने कम वोट से जीतते हैं या टीवी सीरियल के राम जो हैं मेरठ में बहुत कम वोट से जीतते हैं, तो आप समझिए कि धर्म के आधार पर आगे राजनीति में कामयाब होना आसान काम उत्तर प्रदेश में नहीं। इसी बार वो सारी बातें विपक्ष ने बोली जो माननीय काशीराम साहब 40 साल पहले बोला करते थे। जैसे आपने विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के मुँह से सुना कि भाई मीडिया में आपके लोग कितने हैं, बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, ये भी सवाल आया कि ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, जुडिशरी में कितने हैं, ये सारे सवाल आए जिसको काशीराम साहब अपनी अपने अपने भाषण में कोट करते थे और ये कहते जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस तरह से नहीं कह पाए, कॉपी हो जाता। उन्होंने कहा जिसकी इतनी आबादी उतना हक। तो आप समझिए कि ये वही आइडियोलॉजिकल वो थी, लेगेसी थी, या वो जो है उसको जो है कंटिन्यू करने की एक का एक चलन था जिसने जो है विपक्ष को कामयाब किया। और ये आप तब इसको समझिए कि 93 में राम मंदिर की लहर में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट जाती है तो ये बिल्कुल कुछ उसके आसपास ही है। तो उस समय काशीराम साहब विचार के आधार पर लीड कर रहे थे, भले इन दलों ने हमें मदद नहीं की लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया और उसके परिणाम धरातल पर है। मैंने कहा भी, मीडिया के साथियों से भी कहा कि विपक्ष का एक साथी खड़ा होकर बताए कि क्या वो बिना अम्बेडकरवादियों के वोट के जीता है क्या। अगर कोई विपक्ष का एक साथी ऐसा हो किसी भी लोकसभा जीता हुआ तो हाथ खड़ा करके बताए, तो शायद किसी के अंदर हिम्मत नहीं बन पाए कि वो जवाब दे सके क्योंकि पर्दे के पीछे तो सभी लोगों ने मदद मांगी हमसे। अब बहुत सारे नए नेता आपके चुनाव जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कुछ लोग थोड़े इनसिक्योर हैं कि अब नए बड़े नेता आ जाएंगे तो जो पहले से मिशन से जुड़े हुए हैं उनको निग्लेक्ट ना किया जाए, इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं, ये हमारी पार्टी किसी एक, आप फिर इसको प्रमाणिकता भी करोगे किसने आपसे सवाल कहा है? अगर आप ये बात कहते हो तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप अपने मुंह की बात कहना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो, ये राइट आपको है कि दलों में नए लोग आते हैं तो पुराने लोग हैं। अमित हमारे शुरुआत के साथी हैं, अब देखिए आज मेरे साथ आपके स्टूडियो में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पुराने किसी साथी को नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको कुछ कहता हूँ, हमारे लिए राजनीति सुख सुविधा का अवसर नहीं है और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमने का या उनमें बैठने का शौक हम लोग नहीं रखते। हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारी बात को कोई जिम्मेदार से नहीं उठाता। हमने सबके भाषण सुने हैं
पार्लियामेंट में जहाँ सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से कि वो बताएं कि इन वर्गों के हालात का जिम्मेदार कौन है, वहाँ एक दूसरे से बड़े हंसी मजाक हो रहे थे। उधर से कहता था डरो मत डराओ मत, और दूसरा उधर से कह रहा था मौसी अभी तो पार्टी सांस ले रही है, शोले के डायलॉग सुनाए जा रहे थे। क्या पार्लियामेंट शोले के डायलॉग सुनाने के लिए? आप समझो ना क्या हो रहा है, पक्ष भी आप है विपक्ष भी आप है, तो फिर भाई फिर तो मेरे जैसे लोगों को तेजी से बोलना चाहिए कि हमारे लोग समझ आए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ हमारी पार्टी में सभी का सम्मान है, और पुराने जो लोग हैं जिन्होंने काम करके यहाँ पाया, आप आज ही मैं उन सबको एक बड़ी माला जो मैं खुद नहीं पहनता उनको पहना के आया, जितने हमारे कोर कमेटी के लोग थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो ऐसा नहीं होता है, घर के पुराने लोग पुराने ही रहते हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। मैंने दोनों के भाषण को सुना, और दोनों ने अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने एजेंडों पे अपने अपने विषयों पे बात की, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा भाषण अपना ही लगा। क्योंकि जब मैंने बाद में आके सुना तो एज ए फर्स्ट टाइम एमपी मैंने अपने बहुत सारे मुद्दों को बहुत कम समय में रखा, और मैंने कोशिश की कि कोई हंसी मजाक ना हो के वहाँ बुनियादी मुद्दों पे बात हो, क्योंकि वही एक पटल है जिस पर भाजपा जवाब देती है और कहीं नहीं देती जवाब। प्राइम मिनिस्टर ने जितने इंटरव्यू चुनाव से पहले उस चुनाव के बीच में किए शायद ही 10 साल में किए, और ऐसा लगता है जैसे वो सफाई दे रहे हो कि संविधान से आरक्षण से कमजोर लोगों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो इसलिए मुझे अपना भाषण बहुत अच्छा लगा, और मैं इस बात पर खुश हूँ, जो कमी है उसको दूर करूँगा। लास्ट सवाल, उसके बाद हम ये ख़त्म करेंगे। कांचीराम कई बार जो है वो भी चुटकी लेकर और कई बार गर्व से भी कहते थे कि हाँ मैं अवसरवादी हूँ, और मैं अवसरवादी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लोगों को अवसर नहीं मिला है, और उसको लेकर उन्होंने ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसके साथ गठबंधन नहीं किया, सपा हो भाजपा हो कांग्रेस हो, इसके साथ गठबंधन करके उसकी सरकार गिराई, उसके साथ गठबंधन करके इसकी सरकार गिराई, उन्होंने सारे गठबंधन किए। क्या भविष्य में अपने बहुजन समाज के हित के लिए आपको लगे कि मुझे भाजपा से समझौता करना है तो आप करेंगे? तो फिर मैं वही जवाब दूंगा जो मैंने मीडिया के साथी को दिया था कि अगर वो मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो भी मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ वो पद देते हैं पावर नहीं देते, और जब पावर आपके पास नहीं होगी तो आप अपने लोगों का कोई भला नहीं कर सकते। व्यक्तिगत अगर मुझे अपने बारे में सोचना है और मैं अपने लिए कुछ चाहता हूँ, मेरी कुछ इच्छा और मैं इस वजह से कहीं जाना चाहता हूँ, तो ये बुरा है, फिर मैं अपने लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा करूँगा, और मैं वो धोखा करने के लिए राजनीति नहीं करता। अगर भाजपा इतनी अच्छी होती तो इस बार जनता उनको सबक नहीं सिखाती।